मल्टी स्टेज एम्पलीफायर चल रहा था। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के अंतर्गत हम ट्रांसफार्मर कपल्ड देख लिए, आरसी कपल्ड देख लिए, ठीक है। एक लास्ट उसका थर्ड टाइप जो है वो बचा है, वो है डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। तो डायरेक्ट फिर तीनों का कंपैरिजन देखेंगे। डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हमने देखा, आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर था वो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए, आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के वोल्टेज एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए सूटेबल था। फिर उसके बाद हमने जब ट्रांसफार्मर कपल्ड देखा, तो ट्रांसफार्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जो होता है पावर एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए सूटेबल होता है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वेरी बैड होता है, पुअर होता है, ठीक है। नाउ थर्ड टाइप का जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है वो क्या है, डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। बेसिकली डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, ऐसा एम्पलीफायर सर्किट होता है जिसमें एम्पलीफायर स्टेजेस को कपल करने के लिए, एम्पलीफायर स्टेजेस को कनेक्ट करने के लिए किसी एक्सटर्नल कैपेसिटर या फिर ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल कैपेसिटर आर ट्रांसफार्मर दी एम्पलीफायर स्टेजेस आर कपल्ड टू इच अदर, क्लियर हुआ। तो बिना किसी एक्सटर्नल कपलिंग एलिमेंट या फिर कपलिंग कंपोनेंट की हेल्प से अगर एक एम्पलीफायर के आउटपुट को किसी अनदर एम्पलीफायर में इनपुट की तरह अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं, वह क्या कहलाता है, डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। तो डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है, डायरेक्टली एक किसी एम्पलीफायर के आउटपुट को किसी अनदर एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल एम्पलीफायर इफ आउटपुट ऑफ वन स्टेज इज अप्लाइड डायरेक्टली एस एन इनपुट टू अनदर स्टेज, क्लियर हुआ। देन सच टाइप ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज कॉल्ड डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। तो डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में एम्पलीफायर स्टेजेस को डायरेक्टली कपल्ड करते हैं, एम्पलीफायर स्टेजेस आर कपल्ड डायरेक्टली कपल्ड टू इच अदर टू, ठीक है, डायरेक्टली कपल्ड टू इच अदर, एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से क्या रहता है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। डायरेक्टली दैट मीन्स विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल कंपोनेंट, क्लियर हुआ। एक्सटर्नल कंपोनेंट सच एस कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर, क्लियर हुआ। तो इसमें किसी एक्सटर्नल कैपेसिटर या फिर ट्रांसफार्मर जैसे कंपोनेंट का यूज़ नहीं होता, क्लियर हुआ। तो एक्सटर्नल कंपोनेंट ट्रांसफार्मर या फिर कैपेसिटर जैसे कंपोनेंट के विदाउट यूज़, विदाउट हेल्प से हम एम्पलीफायर स्टेजेस को क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, कपल कर देते हैं डायरेक्टली थ्रू अ वायर। एम्पलीफायर स्टेजेस आर कनेक्टेड डायरेक्टली थ्रू अ वायर, क्लियर हुआ। तो एम्पलीफायर स्टेजेस को कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम वायर की हेल्प से ही हम एम्पलीफायर स्टेजेस को आपस में क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी भी एक्सटर्नल कंपोनेंट कैपेसिटर या फिर
ट्रांसफार्मर जैसे कंपोनेंट का यूज नहीं होता। क्लियर हुआ? तो ट्रांसफार्मर या फिर कैपेसिटर जैसे एक्सटर्नल कंपोनेंट का हेल्प क्या यूज़ किए बिना एम्पलीफायर स्टेजेस को आपस में क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो एम्पलीफायर स्टेजेस वो आपस में डायरेक्टली क्या करते हैं, एक वायर की हेल्प से ही क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। एक मिनट, बेसिकली डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का यूज एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीमली वेरी लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन पर्पस के लिए करते हैं। एक्सट्रीमली वेरी लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए हम करते हैं। क्लियर हुआ? तो बेसिकली ये ऐसा एम्पलीफायर सर्किट होता है, बेसिकली ऐसा एम्पलीफायर सर्किट ऐसा होता है जिसका यूज हम एक्सट्रीमली वेरी लो फ्रीक्वेंसी और लेस देन 10 हर्ट्ज बोल सकते हैं। एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी लेस देन 10 हर्ट्ज, या फिर ये बोल सकते हो जहाँ पर हमें एसी एस वेल एस डीसी एम्पलीफिकेशन, ठीक है, उन जगहों पर इस एम्पलीफायर सर्किट का यूज करते हैं जहाँ पर एसी के साथ साथ डीसी एम्पलीफिकेशन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, इट इज यूज वेयर एसी एस वेल एस डीसी एम्पलीफिकेशन इज रिक्वायर्ड। क्लियर हुआ? तो इस एम्पलीफायर सर्किट का यूज उन सभी जगहों पर यूज करते हैं जहां पर एसी के साथ साथ डीसी एम्पलीफिकेशन की आवश्यकता होती है। क्लियर हुआ? तो जहां पर एसी के साथ साथ डीसी एम्पलीफिकेशन की आवश्यकता होती है उन जगहों पर एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो जनरली एक्सट्रीमली वेरी लो फ्रीक्वेंसी या फिर मतलब ये हो सकते हो वे सारे जो ऐसी सिग्नल, वे सारे वीक सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लेस देन 10 हर्ट्ज होती है। लेस देन 10 लिखा हूँ, इसका यूनिट भी लिख दो, लेस देन 10 हर्ट्ज। ठीक है, तो उन जगहों पर यूज होता है जहां पर एसी के साथ साथ डीसी एम्पलीफिकेशन की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है, ये ऐसा एम्पलीफायर है जो एसी के साथ साथ उस एसी सिग्नल में प्रेजेंट डीसी है उसका भी क्या करता है, इक्वली एम्पलीफाई करता है। क्लियर हुआ? तो होता क्या है कि वेरियस फील्ड जैसे कि आपका इंडस्ट्री हो गया, पावर प्लांट हो गया, उस इंडस्ट्री पावर प्लांट में वेरियस टाइप के ट्रांसड्यूसर सेंसर लगे रहते हैं, सेंसिंग डिवाइसेस या फिर ट्रांसड्यूसर का यूज़ होता है, या फिर ट्रांसड्यूसर्स का यूज़ होता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर, तो सेंसिंग डिवाइसेस और ट्रांसड्यूसर सच इस आप क्या बोल सकते हैं, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट हो गया, थर्मोकपल डिवाइस हो गया इंस्ट्रूमेंट, और क्या हो गया, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ आप फोटो सेल हो गया, तो फोटो सेल से जनरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करेंट हो गया, तो जनरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक सेल से जनरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करेंट हो गया। वहाँ पर अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक करेंट को एम्पलीफाई करना है, फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, तो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट हो गया, फोटो सेल हो गया, फोटो सेल से जनरेटेड सिग्नल को फोटो इलेक्ट्रिक करेंट बोलते हैं। तो जहाँ पर थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करेंट जैसे सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करना पड़े उन सारे जगहों पर किसका यूज़ कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। अब बेसिकली इस एम्पलीफायर सर्किट में एम्पलीफायर स्टेजेस को डायरेक्टली कपल करते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। दैट मीन्स एम्पलीफायर स्टेजेस के बीच में किसी थर्ड एलिमेंट का यूज़ नहीं होता। एम्पलीफायर के बीच में किसी थर्ड एलिमेंट का यूज़ होता है, वो बेसिक दो पर टास्क का परफॉर्म करता है। एक तो एक स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज में इनपुट के फॉर्म में ट्रांसफ़र करने का काम करता है, और दूसरा जो काम रहता है एम्पलीफायर स्टेजेस के बीच में वो आइसोलेशन प्रोवाइड करता है।
क्लियर हुआ। अब इस एम्पलीफायर सर्किट में कोई भी एक्सटर्नल कपलिंग एलिमेंट का यूज़ नहीं हुआ है, तो एक स्टेज का आउटपुट है वो दूसरे स्टेज में जाने से वो उसमें आइसोलेशन नहीं मिलेगा, इसमें कोई भी आइसोलेशन ही उसकी ऑपरेशन अचीव नहीं हो पाता, आइसोलेशन जैसा टास्क का इसमें परफॉर्म नहीं हो पाता। दैट मीन्स एक स्टेज का डीसी के साथ साथ एसी जो सिग्नल है वो अनदर स्टेज में इनपुट के फॉर्म में क्या होता है, एपीयर होता है। तो वन स्टेज का जो आउटपुट है जिसमें एसी के साथ साथ डीसी भी प्रेजेंट है, वह प्रेजेंट जो एसी के साथ साथ डीसी जो सिग्नल है वो अनदर स्टेज में इनपुट के फॉर्म में एपीयर होता है, और वो जो एपीयर्ड जो सिग्नल है बेसिकली नेक्स्ट स्टेज की ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ऑपरेटिंग पॉइंट अफेक्ट होने से नेक्स्ट स्टेज की एम्पलीफिकेशन परफॉर्मेंस है वो भी क्या होता है, अफेक्टेड होता है। क्लियर हुआ। तो ये डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, फोटो सेल या फिर फोटो इलेक्ट्रिक जो करेंट जो होता है, ऐसे जो सिग्नल्स जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है लेस देन 10 हर्ट्ज होती है या फिर डीसी के बराबर होती है, मतलब एक्सट्रीमली वेरी लो फ्रीक्वेंसी। तो वेरी लो फ्रीक्वेंसीज के जो एसी सिग्नल्स होते हैं उन एसी सिग्नल्स की एम्पलीफिकेशन के लिए हम डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। होता क्या है कि अगर हम देखें, मान लीजिए कि अगर हम लेस देन 10 हर्ज की कोई भी एसी सिग्नल है, मान लीजिए लेस देन 10 हर्ज मतलब वेरी एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी की जो एसी सिग्नल है, अगर लेस देन 10 हर्ज की जो एसी सिग्नल है, अगर इस एसी सिग्नल का हमें क्या करना है, एम्पलीफिकेशन करना पड़े, सपोज हमें इसका क्या करना पड़े, एम्पलीफिकेशन करना पड़े, तो लेस देन 10 हर्ज की जो एसी सिग्नल है उसकी अगर हमें एम्पलीफिकेशन करना पड़ जाए और हम इसमें क्या है, अगर कपलिंग डिवाइसेस का यूज़ करें, सपोज अगर हम इसमें कपलिंग डिवाइसेस जैसे कि इसमें हम अगर हम कैपेसिटर का यूज़ करें, कपलिंग डिवाइसेज जैसे कैपेसिटर, या फिर अगर हम ट्रांसफार्मर या इंडक्टर यूज़ करना चाहें, कपलिंग डिवाइसेज ट्रांसफार्मर, या फिर हम कोई इंडक्टर का अगर यूज़ करना चाहें, तो ट्रांसफार्मर इंडक्टर और कैपेसिटर की जो साइज़ है इस पर्टिकुलर वेरी लो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो जाती है, लार्जर हो जाती है, प्रैक्टिकली वेरी लार्ज साइज का होता है, लार्जर साइज का। तो लार्जर साइज की इंडक्टर और कैपेसिटर का रिक्वायरमेंट होता है, इस कारण हम इसमें कैपेसिटिव या फिर इंडक्टिव कपलिंग का यूज़ नहीं करते। इंडक्टिव कपलिंग इज नॉट यूज्ड। तो एक्चुअल में यहाँ पर हम इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज़ क्यों नहीं कर रहे, इसका रीज़न क्या है, होता क्या है, इस वेरी लो फ्रीक्वेंसी के रेंज पर अगर हम कैपेसिटर और इंडक्टर को अगर यूज़ करना चाहे तो कैपेसिटर और इंडक्टर की वैल्यू है वो लार्जर वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगा, और उस लार्जर वैल्यू के इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए उसकी डिज़ाइनिंग उसकी साइज़ है वो क्या हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, बल्की हो जाएगा, भारी हो जाएगा, लार्जर साइज का हो जाएगा। तो लार्जर साइज का इंडक्टर और कैपेसिटर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, इस कारण हम उसको जनरली लो एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज़ नहीं करते। क्लियर हुआ। तो डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में एम्पलीफायर स्टेजेस को डायरेक्टली क्या किया जाता है, वायर के थ्रू क्या किया जाता है, कपल किया जाता है। तो एक स्टेज एम्पलीफायर के आउटपुट को दूसरे स्टेज एम्पलीफायर के इनपुट में प्रोवाइड करने के लिए, अप्लाई करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल कंपोनेंट सच एज कैपेसिटर इंडक्टर और ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो कैपेसिटर इंडक्टर या फिर ट्रांसफार्मर जैसे कंपोनेंट का यूज़ नहीं करते, ठीक है, और कोई भी कपलिंग डिवाइसेस का यूज़ नहीं होता, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। यूज़ कहाँ पर होता है, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसीज की जो एसी सिग्नल होता है जनरली लेस देन 10 हर्ज, तो लेस देन 10 हर्ज की फ्रीक्वेंसी की जो एसी सिग्नल है उसकी एम्पलीफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, लेस देन अगर 10 हर्ज की एसी सिग्नल की एम्पलीफिकेशन के लिए अगर हम कपलिंग डिवाइसेस के रूप में अगर कैपेसिटर या फिर इंडक्टर को ले,
तो कैपेसिटर और इंडक्टर की वैल्यू है वो लार्जर वैल्यू की जरूरत होती है। लार्जर वैल्यू के इंडक्टर और कैपेसिटर डिजाइन करने से क्या होता है, उस कैपेसिटर और इंडक्टर की साइज बढ़ जाती है, बल्की हो जाती है, साथ साथ वो क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है, महंगा हो जाता है। तो एक्सपेंसिव, बल्की और कॉम्प्लेक्स साइज होने के कारण ही हम उसको जनरली इस वेरी लो फ्रीक्वेंसीज की एसी सिग्नल के एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ नहीं करते। क्लियर हुआ? तो ये है इसका ज़रूरत। अब इसकी सर्किट देख लेते हैं। एम्पलीफायर स्टेजेस से वो डायरेक्टली क्या रहता है, आपस में क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। तो विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल एम्पलीफायर, एम्पलीफायर एक्सटर्नल कंपोनेंट, एम्पलीफायर स्टेजेस आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू इच अदर। ठीक है, चलो चलो, तो अब इसका सर्किट देख लेते हैं। ये आपका एम्पलीफायर है, ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर हम लगा देते हैं आरसी सर्किट, कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस, प्लस वीसीसी एक्सटर्नल डीसी बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज, ये आपका R1, और ये क्या आ जाएगा R2, ये आपका RE, और ये हो जाएगा आपका CE, ये आपका CE, ये हो गया RE, और ये R2, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पर ये Q NPN ट्रांजिस्टर है, Q1, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कपलिंग कैपेसिटर, अगर कपलिंग कैपेसिटर नहीं देना है तो भी चलेगा, चलो लगा दिए तो छोड़ो। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर एक दूसरा एम्पलीफायर स्टेज बना लेता हूँ। एम्पलीफायर स्टेजेस कंटेन्स मोर देन वन स्टेज, ठीक है। तो ऐसा एम्पलीफायर सर्किट जिसमें एक से अधिक स्टेजेस होता है, वही एक से अधिक स्टेज वाले एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज बोलते हैं, ठीक है। चाहे तो इसको जोड़ लो ऐसा, चाहे तो इसको भी ऐसे से जोड़ दो। ये RC कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस, R1 ये हो जाएगा, R2 ये आपका RE, और ये क्या है CE, और ये क्या हो जाएगा क्यू आउटपुट, या फिर लिख दो आउटपुट ही लिख दो यहाँ से, ऐसा आउटपुट आउटपुट, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका कंप्लीट मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। मैंने पहले भी बताया है ऐसा एम्पलीफायर सर्किट विच कंटेंस मोर देन वन स्टेज इज कॉल्ड मल्टी स्टेज। क्लियर हुआ? तो ऐसा एम्पलीफायर सर्किट जिसमें एक से अधिक स्टेज क्या होता है, एक से अधिक एम्पलीफायर स्टेजेस होता है, ऐसे एम्पलीफायर को हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो फिलहाल यहाँ पर सर्किट में मैं टू स्टेज का बनाया हूँ, मल्टी स्टेज, जिसमें एम्पलीफायर स्टेजेस है वो क्या, दो है। सर्किट को देखने से पता चल जा रहा है कि सर्किट में RC जो यूज़ किया हूँ वो क्या है आपका, कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस है, और इस कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होगा वो डेवलप्ड वोल्टेज आपका आउटपुट वोल्टेज होंगे, और उसी डेवलप्ड वोल्टेज को डायरेक्टली एक वायर के थ्रू अनदर स्टेज एम्पलीफायर के इनपुट में हम दे रहे हैं। तो इस एम्पलीफायर का आउटपुट जो डेवलप होगा उस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज को डायरेक्टली वायर के थ्रू नेक्स्ट स्टेज एम्पलीफायर में हम इनपुट के फॉर्म में अप्लाई करें। इफ आउटपुट ऑफ वन स्टेज इज डायरेक्टली अप्लाइड एज एन इनपुट टू अनदर स्टेज देन सच टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज कॉल्ड डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। क्लियर हुआ? इस सर्किट में दो ट्रांजिस्टर हैं, एक Q1 है और दूसरा क्या है, Q2। तो सर्किट में Q1 और Q2 है वो दो ट्रांजिस्टर है, और दोनों ट्रांजिस्टर है वो क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है। तो Q1 और Q2 दोनों NPN ट्रांजिस्टर है जो कि कॉमन इमिटर मोड में क्या हो रहा है, ऑपरेट कर रहा है। और जब भी कोई ट्रांजिस्टर है वो कॉमन इमिटर मोड में ऑपरेट करता है, ऑलवेज वो एक एम्पलीफायर सर्किट की तरह वर्क करना। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर Q1 और Q2 है वो क्या है, एम्पलीफायर की तरह क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, और दोनों कॉमन इमिटर मोड में ऑपरेट कर रहा है।
ठीक है। सर्किट में यूज्ड आरसी, आरसी कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस है जो कि एक लोड की तरह वो एक्ट कर रहा है, और इस आरसी के अक्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होगा वो डेवलप्ड वोल्टेज ही आपका क्या है, आउटपुट वोल्टेज होंगे, और इस आरसी के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज को ही हम अनदर एम्पलीफायर में डायरेक्टली इनपुट के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ। R1 और R2 का कॉम्बिनेशन एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है। क्या है R1 और R2 की कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, बायसिंग नेटवर्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, बायसिंग नेटवर्क बोलते हैं। ये बायसिंग जो नेटवर्क होता है क्या है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। बेसिकली ये जो बायसिंग है वो क्या है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग होता है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है, बेसिकली एक वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है, बायसिंग नेटवर्क है जो कि वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है। और ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग क्या करता है, इट मेंटेन्स फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन ऑफ एम्पलीफायर स्टेज। क्लियर हुआ। तो एम्पलीफायर स्टेज को फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में मेंटेन करके रखने का करता है, काम करता है, ताकि ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है वो ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड रहे। और जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड रहेंगे तभी ये इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल को क्या करेगा, इक्वली एम्पलीफाई करेगा, फेथफुल एम्पलीफाई करेगा। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के इनपुट को ऑलवेज क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए, ताकि वो इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट हो। और जब वो दोनों हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन करेंगे तभी इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल को वो इक्वली क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आरई। आरई को क्या बोलते हैं, इमीटर रजिस्टेंस। आरई क्या है आपका, इमीटर रजिस्टेंस होता है। आर ई आपका इमीटर रेजिस्टेंस है। ये जो इमीटर जो रेजिस्टेंस होता है बेसिकली हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। ये क्या है, वेली हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। ये हाई वैल्यू का जो रेजिस्टेंस है वो ट्रांजिस्टर को क्या करता है, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड स्टेबलाइजेशन टू ट्रांजिस्टर। तो टेम्परेचर के कारण उस ट्रांजिस्टर की ऑपरेशन में जो अननेसेसरी या फिर अनवांटेड जो चेंजेस होता है, उस अननेसेसरी या फिर अनवांटेड चेंजेस के अफेक्ट से इसको अवॉइड करने के लिए हाई वैल्यू के इमीटर रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है। और ये हाई वैल्यू का इमीटर जो रेजिस्टेंस होता है बेसिकली ट्रांजिस्टर सर्किट को क्या करता है, प्रॉपर स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ। ये हो गया आरसी। क्या है आपका, कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस। आरसी क्या है आपका, कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। सीई क्या है आपका, इमीटर बाईपास कैपेसिटर। सीई इमीटर बाईपास कैपेसिटर है। और ये इमीटर बाईपास कैपेसिटर का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स लो रिएक्टेंस पाथ टू बाईपास एसी सिग्नल्स, ठीक। क्लियर हुआ। तो एसी सिग्नल्स को बाईपास करने के लिए लो रिएक्टेंस पाथ क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो इमीटर बाईपास जो कैपेसिटर होता है वो लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है एसी सिग्नल को बाईपास करने के लिए। क्लियर हुआ। तो ये है सर्किट। ये आपका सपोज इनपुट सिग्नल है, यहाँ पर सीसी यूज़ किया हूँ, सीसी कपलिंग कैपेसिटर है जिसको हम डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। वी इन एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल है, वह एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल है जिसकी एम्पलीट्यूड को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है।
और इंक्रीज द वैल्यू का, दैट मीन्स एम्पलीफाइड वैल्यू का आउटपुट सिग्नल हमें प्रोवाइड कर। क्लियर हुआ? तो इस इनपुट एसी सिग्नल में को हम इस मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के इनपुट पर अप्लाई करते हैं। इस इनपुट एसी सिग्नल में प्रेजेंट जो डीसी है, वो प्रेजेंट जो डीसी है वो इस कपलिंग कैपेसिटर से पास नहीं हो पाता, क्योंकि ये कपलिंग जो कैपेसिटर है डीसी के लिए, इस कपलिंग कैपेसिटर की नेचर है वो ओपन सर्किट, ये आपका ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। तो जब ये ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे तो इस इनपुट सिग्नल में प्रेजेंट कोई भी डीसी कंपोनेंट इस कैपेसिटर से पास नहीं हो पाए। बट इस इनपुट सिग्नल में प्रेजेंट जो एसी है, प्रेजेंट ऑल एसी जो कंपोनेंट है वो कम्प्लीटली इस कैपेसिटर के थ्रू क्या हो जाता है, पास होता है और पास होकर ट्रांजिस्टर Q1 के इनपुट पर अपीयर हो जाता है। क्लियर हुआ? जैसे ही ट्रांजिस्टर Q1 के इनपुट पर सिग्नल, इनपुट सिग्नल अपीयर हो जाता है, बेस पर सिग्नल अपीयर हो जाता है, सिग्नल के अपीयर होने से ट्रांजिस्टर Q1 है क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है। Q1 के टर्न ऑन होने से ट्रांजिस्टर Q1 है वो कंडक्ट हो जाता है, कंडक्ट होकर एक ऑन स्विच एम्पलीफायर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। फाइनली एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल है वो कलेक्टर लोड रजिस्टर के अक्रॉस क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है, RC के अक्रॉस अपीयर होंगे। इस RC के अक्रॉस अपीयर्ड या फिर डेवलप्ड जो वोल्टेज है उसको आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे। ये डेवलप्ड जो आउटपुट जो वोल्टेज जो रहेगा, उस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज को डायरेक्टली हम अनदर स्टेज एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में अप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ? तो इसके अक्रॉस डेवलप्ड जो आउटपुट जो वोल्टेज होगा, उस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज को डायरेक्टली क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज एम्पलीफायर के बेस पर हम इनपुट के फॉर्म में अप्लाई कर। ये सब एरो बना रहा हूँ मैं ऐसे समझाने के लिए, आपको नहीं बनाना है। क्लियर हुआ? तो इस आरसी के अक्रॉस डेवलप्ड जो वोल्टेज रहेगा, उस डेवलप्ड आउटपुट जो वोल्टेज है, उस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज को डायरेक्टली वायर के थ्रू हम नेक्स्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट की बेस पर इनपुट के फॉर्म में क्या कर देते हैं, अप्लाई कर। जैसे ही ट्रांजिस्टर Q2 के इनपुट पर सिग्नल अपीयर होता है, अपीयर्ड सिग्नल के कारण ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर Q2 है वो कंडक्ट हो जाता है और कंडक्ट होकर के एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करना शुरू कर देता है। फाइनली एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज होता है, इस कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर होता है। ये पेयर्ड वोल्टेज को, डेवलप्ड वोल्टेज को एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं और इस एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज को फाइनली हम अनदर एम्पलीफायर स्टेज के हम इनपुट के फॉर्म में अप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ? तो ये था ऑपरेशन। अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें, सपोज एडवांटेजेस की अगर बात करें, तो ये तो एम्पलीफायर हो गया। अब देख सकते हो तो सर्किट का डिज़ाइनिंग है वो क्या है, सिंपल है। सर्किट इज सिंपल बोल सकते हैं। क्यों सिंपल है? अरे कोई भी एक्सटर्नल सर्किट इज वेरी सिंपल, सर्किट बहुत ही क्या है, आसान है या फिर इजी टू डिज़ाइन। क्लियर हुआ? सर्किट बहुत आसान है, इसको डिज़ाइनिंग करना बहुत ही आसान है। क्लियर हुआ? क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल कंपोनेंट जैसे कि कैपेसिटर, इंडक्टर या फिर ट्रांसफार्मर जैसे कंपोनेंट का यूज़ हम कपलिंग पर्पस के लिए नहीं कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो कोई भी हेवी बल्की और बड़ा कंपोनेंट का यूज़ नहीं हो रहा है, इस कारण सर्किट बहुत है सिंपल है, इजी टू डिज़ाइन भी लिख सकते हो। अब देखो, कोई भी एक्सटर्नल कंपोनेंट का यूज़ कपलिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, इस कारण इसकी कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती है। क्योंकि कपलिंग कैपेसिटर अगर लोगे या फिर कोई इंडक्टर लोगे या फिर कोई ट्रांसफार्मर को कपलिंग पर्पस के लिए अगर लेते हो, तो उस केस में वो सारे जो कंपोनेंट है वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। एक्सपेंसिव होने की वजह से कंप्लीट मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का कॉस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, सर्किट इज चीपर भी बोल सकते हैं। सर्किट सस्ता होता है, सर्किट इज चीपर, लेस कॉस्टली, जो बोलना है। सर्किट चीपर होता है, सस्ता होता है, सर्किट का डिज़ाइनिंग बहुत आसान। सर्किट सस्ता क्यों होता है? बिकॉज नो यूज़ ऑफ कपलिंग डिवाइसेस। क्लियर हुआ? तो कपलिंग डिवाइसेस का यूज़ नहीं है।
कपलिंग डिवाइसेस का यूज़ नहीं है, इस कारण इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम होती है। सर्किट इज वेरी सिंपल, इजी टू डिज़ाइन, जो और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इजी टू डिज़ाइन, इसको डिज़ाइन करना बहुत ही आसान है। ठीक, क्लियर हुआ। उस क्या बोल सकते हो, लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड, लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड इन सर्किट बोर्ड। अगर आप इस सर्किट को अगर डिज़ाइन करते हैं तो सर्किट बोर्ड में कम जगह की आवश्यकता करेगा, इसको बनाने के लिए कम ही स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड इन सर्किट बोर्ड, तो सर्किट बोर्ड में बहुत कम जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसका क्या है, एडवांटेज। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज बोलेंगे तो डिसएडवांटेज ये बोल सकते हो कि ये जो एम्पलीफायर है वो क्या करता है, डीसी ब्लॉकिंग इसमें नहीं हो पाता, ये एसी एस वाले डीसी का एम्पलीफिकेशन करता है। क्लियर हुआ। तो इसमें डीसी ब्लॉकिंग कंपोनेंट इंडक्टर या फिर ट्रांसफार्मर जैसे कंपोनेंट का यूज़ नहीं होता है, तो ट्रांसफार्मर और इंडक्टर जैसे कंपोनेंट का यूज़ ना होने के कारण ये इसमें क्या होता है, डीसी ब्लॉकिंग जैसा पैरामीटर हमें नहीं मिल पाता। और डीसी ब्लॉकिंग जैसा पैरामीटर ना होने के कारण एक स्टेज का डीसी सिग्नल है वो अनदर स्टेज की ऑपरेशन को क्या करता है, परफॉर्म है। सो ऑपरेटिंग पॉइंट इज शिफ्टेड। क्लियर हुआ। ऑपरेटिंग पॉइंट इज शिफ्टेड, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर, क्योंकि इसमें कोई भी डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर का यूज़ नहीं होता। अब डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर का यूज़ नहीं होता इस कारण इसमें एक स्टेज का डीसी सिग्नल है वो अनदर स्टेज में इनपुट के फॉर्म में अपीयर हो जाता है। तो एक स्टेज का डीसी सिग्नल है वो अनदर स्टेज में इनपुट के फॉर्म में अपीयर होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज का ऑपरेशन है वो क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो एक स्टेज का डीसी सिग्नल नेक्स्ट स्टेज में इनपुट के फॉर्म में अपीयर होने के कारण वो जो अपीयर जो डीसी सिग्नल होता है अनदर स्टेज के ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट अफेक्टेड हो जाता है। क्लियर हुआ। ठीक है, अगला भी बोल सकते हैं। इसमें अगर हम बोले तो यही है डिसएडवांटेज बोल सकते हो, हायर फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते, ये भी है। एप्लीकेशंस की अगर बात करते हैं, एप्लीकेशंस, ठीक है, सो इट इज़ यूज्ड, इसका यूज़ हम स्टार्टिंग में बताए थे, इट इज़ यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। क्लियर हुआ। तो वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की एम्प्लीफिकेशन पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। क्लियर हुआ। तो जहाँ पर भी एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, तो लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल कहाँ पर मिलता है, जनरली हमारे सेंसर ट्रांसड्यूसर है ना, जैसा कि फोटो सेल हो गया या फिर थर्मोकपल डिवाइस हो गया, तो जितने भी सेंसर ट्रांसड्यूसर होता है, सेंसर ट्रांसड्यूसर से जनरेटेड जो सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, तो जनरली लेस देन 10 हर्ट्ज। तो लेस देन 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल्स का अगर आपको एम्प्लीफिकेशन करना है तो उन जगहों पर आप किसका यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्प्लीफायर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर एसी के साथ साथ अगर डीसी एम्प्लीफिकेशन की आवश्यकता होती है, तो एसी के साथ साथ अगर डीसी एम्प्लीफिकेशन की आवश्यकता होती है तो उन जगहों पर हम किसका यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्प्लीफायर। क्लियर हुआ। तो डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्प्लीफायर का यूज़ किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर
एसी के साथ साथ डीसी एम्पलीफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो बहुत ही आसान मल्टी स्टेज एम्पलीफायर था। डायरेक्टली इसमें एम्पलीफायर स्टेजेस को एक वायर के थ्रू क्या करते हैं, कपल करते हैं। तो कोई भी इंटरमीडिएट कपलिंग एलिमेंट, कैपेसिटर, इंडक्टर या फिर ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं होता। इसके कारण एक स्टेज का जो डीसी सिग्नल है नेक्स्ट स्टेज में जाता है और डीसी का एसी के एम्पलीफिकेशन के साथ साथ इसमें डीसी का भी एम्पलीफिकेशन मिलता है। क्लियर हुआ? तो इसमें एसी एस वाले डीसी एम्पलीफिकेशन के फिनोमेना हमें दिखाई देते। तो ये रहा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। आई थिंक इसका कंपैरिजन सेक्शन बचा है, तीनों एम्पलीफायर का कंपैरिजन, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। और मेरे स्तर पे मेरे तरफ से ये हो गया। आगे फिर अपन अगला एम्पलीफायर की ओर बढ़ेंगे, आइडियो पावर एम्पलीफायर की ओर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।